लोगे मैं आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर असद आमान है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। वर्ल्ड हार्ट डिजीज के हिसाब से मैं आपको ये बताऊँ कि कार्डियक सर्जरी के हिसाब से हमारे ऊपर डे बाई डे लोगों को प्रिवेंटिव मेजर ना लेने की वजह से बर्डन बढ़ता जा रहा है और जहाँ तक पाकिस्तान जैसा है उसके हिसाब से हमारे पास फैसिलिटीज और हार्ट सर्जरी के फैसिलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर जो चीज़ें जो जितना बर्डन हमारे पे आ रहा है और हमारी वेटिंग लिस्ट डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो एक तो कोविड कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे नंबर्स डिक्रीज हुए हैं जिसकी वजह से पिछले दो साल से हमारे पास इतना काम का इकट्ठा हो चुका है कि अब हम अगर 3-4 साल के अंदर कंटिन्यूस काम करते रहे तब जाके हम इस काबिल होंगे कि हम अप टू डेट अपने पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे कर सकें। इस पर जो हालात चल रहे हैं कि सिर्फ हम एमरजेंसी सर्जरीज करने के लिए वो बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो मेरे आप लोगों से यह हदायत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप एक ही कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे काबू करने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को पूरी तरह प्रिवेंशन बोल लें तभी हम इस डिजीज पे काबू पा सकते हैं, वरना इलाज से सर्जरी से ऑपरेशन से हम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते।